अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तमाम भाइयों को मैं रमज़ान ईद उल फितर के मौके पे सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ खुशगवार माहौल में रहें, इससे हम दुनिया में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम कोशिश ये करें कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में नंबर वन हुकूमत बने। हम मजबूती के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत से रहें और ये 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, खैर में से शर निकालते हैं, शर में से खैर निकालते हैं। अल्लाह से यही दुआ करें, खैर वाली हुकूमत बने, खैर वाली गवर्नमेंट बने। सब लोग दुआ करिए और हमारे जो भी रमज़ान में इबादत में कोताही हुई है, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सब की जो भी दुआएं, हम जो भी इबादत की हैं, अल्लाह वो इबादत को कबूल फरमाए। और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैं हदीसें कई सुना हूँ, हमारे जैसे आमाल होते हैं, अल्लाह के ऐसे फैसले होते हैं। हमारे आमाल पे भी हम लोग तवज्जो दें, हम लोग एजुकेशन में, हर चीज़ में हम मजबूत रहें, सिर्फ सियासतदान बन के ना रहें। हम लोग हमारे पैरों पर ठहरें, अल्लाह से मांगें। सियासत तो एक अलग हिस्सा है, सियासत को पेशा ना बनाए, सियासत को अपना पेशा ना बनाए। अपना पेशा तो बिजनेस होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, अपने मसरूफियत होना चाहिए। ये तो साइड में खिदमत का शोभा है सियासत। तो ये सब दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, असल आखिरत हमारी परमानेंट है। हम आखिरत को सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। और एक बार मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला खुशगवार माहौल में इलेक्शन फरमाए और खुशगवार माहौल में हमारी हुकूमतें कायम हों और हम भाईचारा मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से रहें।